और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कि हमें बर्ड के लिए प्रॉपर केज कौन सा चाहिए वो बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं जिस तरह से केज बनवाया है, जो केज हमारे पास है, आज उसका ही डिटेल्स बताने वाले हैं। अगर आपके पास किस तरह का बर्ड है, कौन सा केज आपको रखना चाहिए, आज इस वीडियो में उसका ही बात करने वाले हैं। और निकी को गर्लफ्रेंड धीरे धीरे पसंद आ गया, बहुत खुल मिल गया है दोनों। कुछ ही दिन से हम जो केज में रख रहे थे उसी केज में निकी को उसके गर्लफ्रेंड के साथ रखा था और निकी को गर्लफ्रेंड धीरे धीरे पसंद आ गया है। और ये कॉकटेल तो आज यहाँ पर नहा के इस तरह बैठा है और जब भी ये मुझे देखता है इस तरह से आवाज ये निकालता है। ये बहुत बदमाश है, ये खाना तो सीख चुका है लेकिन ये मुझे जब भी देखता है हैंड फीडिंग लेने के लिए ये इस तरह से आवाज करता रहता है। तो हमारे पास जो जो बर्ड है अभी, उसमें से ज्यादातर कन्यूर है और एक है बेबो और उसका साथी। तो छोटे बर्ड के लिए कौन सा केज अच्छा है वो पहले बताते हैं, उसके बाद बड़े बर्ड को कौन से केज में रखना चाहिए वो बताएंगे। कन्यूर और कॉकटेल लगभग बराबर एक ही साइज का है। अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो अलग सा केज, अगर आप ब्रीडिंग पर्पस के लिए बर्ड रखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सा केज। यहाँ पर जो केज आप देख रहे हैं इसका साइज है 1.5 फीट बाई 2 फीट। इसको हमने लाए थे जब कॉकटेल हम लाए थे, निकी का प्यार हम लाए थे, तब वो छोटा था। उसको कुछ दिन हमारे घर पे एडजस्ट करने के लिए, बाकी दूसरे बर्ड के साथ रखने के लिए ये केज हमने लाए थे। अगर मैं पहले दिन से ही मैं उनको दूसरे बर्ड के साथ रख देता था तो वो झगड़ने लग जाता था, इसलिए हमने ये छोटा सा केज लिया है। इसका प्राइस मुझे पड़ा 400 रुपये। ये रेडीमेड किसी भी आपको पेट शॉप में मिल जाएगा या तो आप जहाँ पर केज बनवाया जाता है आप वहाँ पर ऑर्डर दे के भी आप बनवा सकते हैं। ये एकदम नॉर्मल क्वालिटी का है। इसका जो वायर है यानी जो इसका मेटल है ये गैल्वेनाइज का है, लेकिन ये बहुत पतला है। अगर आप घर में एक या दो बर्ड रखना चाहते हैं, अगर आप घर में बजीज, फिंच, जावा, छोटे बर्ड अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस केज में आप रख सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप किसी भी तरह का केज बनवाइए, जितना बड़ा केज होगा बर्ड के लिए उतना ही अच्छा होगा। बर्ड जितना उड़ेगा केज के अंदर, जितना स्पेस होगा, जगह मिलेगा, उतना ही बर्ड का हेल्थ अच्छा रहेगा। दूसरा केज है ये है 3 फीट बाई 3 फीट। अगर आप देखें इस केज का साइज, हाइट में ये थोड़ा ज्यादा है और चौड़ाई में भी 3 फीट है। अगर आप इस तरह का केज बनवाने जाएंगे या लेने जाएंगे तो आपको प्रॉपर आपको 3 फीट नहीं मिलेगा, कुछ कम होगा, कुछ इंच कम होगा, क्योंकि ये जिस तरह से बनवाया जाता है इसका वायर को, मेटल को मोड़ के बेंड करके बनवाया जाता है, तो इसके लिए ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अगर आप देखें यहाँ पर इसको मोड़ के बनवाया गया है तो इसके लिए 1-2 इंच छोटा पड़ जाता है। इस केज को मैंने ऑर्डर देके बनवाया है, इसका प्राइस मुझे पड़ा 2200 यानी 2200 रुपये। अगर आप देखें मैंने इस केज के अंदर 2 पर्च लगाया है, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर मैंने रखा है छोटे कन्नूर लाइक पाइनएपल कन्नूर, येलो साइडर और ब्लू येलो साइडर। 2 पर्च इसलिए लगाया क्योंकि इस बर्ड के साइज के हिसाब से इस केज में वो उड़ के जा सके। अगर आप देखें तो एक साइड से ये उड़ के दूसरे पर्च पर जा सके। अब तुरतुरी हो गया है, बहुत बदमाश, ये काटता भी है भाई, क्योंकि इसको ज्यादातर ओपन अभी नहीं रख रहे हैं, केज में ये रहता है अपने पैर के साथ, तो ये बहुत काटने लगा है। तो केज इस तरह से बनवाना चाहिए कि बर्ड उसमें थोड़ा बहुत फ्लाई कर सके। अगर आपके घर में जगह है, स्पेस है, तो आप बड़े से बड़ा केज आप बनवाइए। है हमारे बर्ड सब बर्ड के अंदर सबसे बदमाश, बहुत ही ताकतवर, ये बेबो के साथ भी ये झगड़ता है।
जैसे ही मैंने इन सब को बाहर छोड़ दिया है और ये सब उड़ने लगा है और हाँफने भी लगा है। तीसरा केज, इसका साइज है, चौड़ाई है इसका 4 फीट, हाइट है इसका 2 फीट और इसका डेप्थ है 2 फीट। इसका खर्चा मुझे आया 2400। और नीचे इसका अगर आप देखें तो ये एडवेस्टर सीट है, ये एडवेस्टर सीट है। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है अगर बर्ड इसमें पॉटी करे या पानी गिरे तो बहुत जल्दी सूख जाता है और इसको डेली क्लीन करना पड़ता है। अगर आप 2-3 दिन रख देंगे तो ये गंदा हो जाएगा और फंगस वगैरह या कीड़ वगैरह ये यहाँ पर लग जाएगा, तो इसको डेली साफ करना ज़रूरी है। तो ये एडवेस्टर सीट लेके इस केज का प्राइस आया है 2400। ये सब छोटे कनूर के लिए है, यानी सन कनूर, कॉकाटेल, आप इसमें लबर्ड भी रख सकते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए, या बड़े से बड़ा केज देने का फायदा यही है कि बर्ड उसमें अच्छे से रह सकेगा, उसमें उड़ सकेगा। और हमारा सीवीसी जो है ये दिन भर क्लाइंबिंग करना पसंद करता है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये रस्सी पकड़ के, रोप पकड़ के ऊपर नीचे होता ही रहता है। कॉकाटेल बाबू तो यहाँ पर मस्त नहा के खा पी के यहाँ पर सो भी गया है। उसके बाद है ये चौथा केज, ये भी हमने सन कनूर के लिए ही बनवाया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रखेंगे दिन के टाइम पेबो को। ये थोड़ा सा हार्डी मेटल ये केज है, इसका साइज भी है प्रॉपर 4 फीट बाई 2 फीट। अगर आप इसका साइज देखें तो दूसरे केज से ये थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पर हमने इस केज में इस तरह का मैंने 2 डोर बनवाया है, एक है ऊपर और एक है नीचे। और इसमें भी मैं ये एडवेस्टर सीट जो लाके रखे हैं, 2 एडवेस्टर सीट, इसको भी हम लगा देंगे। यहाँ पर एक पर्च के लिए मैंने एक नॉर्मल एक ट्री का एक डाल लेके आया है, इसको ही हम लगा देंगे। तो दिन के टाइम यहाँ पर बेबो और उसका साथी इस केज के अंदर रहेगा। ये पूरा 1 इंच बाई 1 इंच का जो नेट है, जाली है मेटल का, वही हमने लगाया है। और यहाँ पर जो है ये बार है लोहे का, 1/2 इंच का लोहे का बार देके इसको बनवाया है, ऑर्डर देके। इसका प्राइस आया है 3800। तो प्रॉपरली किसी भी बर्ड के लिए कोई भी केज प्रॉपर नहीं होता है, आप जितना बड़ा आप केज प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा बर्ड के लिए। और इस केज को तो आप सबने पहले देख ही चुके हैं, ये हमने ऑर्डर देके बनवाया था, ये है प्रॉपर स्टील का केज बेबो के लिए हमने बनवाया था। इसका जो डेप्थ है ये है 3 फीट, इसका हाइट जो है वह है 4 फुट, और सामने से भी इसका जो चौड़ाई है ये है 3 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा। हमने हमारे घर के हिसाब से, जगह के हिसाब से बनवाया है बेबो को, सामने जितना हो सके हम रखने के लिए। और यहाँ पर भी एक डोर है, हर दिन शाम को मैं अपने हर बर्ड का केज को मैं साफ़ कर देता हूँ, उसमें पानी और खाना मैं निकाल देता हूँ। शाम के टाइम 4 बजे मैं सीट दे देता हूँ और 5 बजे के बाद मैं सबके केज से मैं पानी और खाना मैं निकाल देता हूँ और क्लीन कर देता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं बेबो का साथी हमने जो लाया था, बेबो का प्यार, वो अभी बहुत छोटा है, घर में हम रख रहे हैं उसको। इस बस्केट पे ये सोता है, अभी तो ये बाहर है, अभी घर में है वो। चलिए बेबो को ले जाते हैं और उसका लुक देख लेते हैं, बेबो के साथ कितना बॉन्डिंग है उसका। Thank you.
एक छोटा सा टिप्स मैं आप सबको देना चाहता हूँ। भले ही आप किसी भी तरह का किसी भी साइज का आप केज में बर्ड को रख रहे हैं, तो आप रोज बर्ड का केज साफ कीजिए। रोज आप शाम को या रात को आप केज क्लीन कर दीजिए। रात के टाइम यानी शाम के टाइम आप बर्ड के केज से खाना जो फूड है फूड और पानी निकाल दीजिए। फिर अगले दिन आप सुबह में आप बर्ड को खाना और पानी दीजिए। रात में किसी भी तरह का कोई पानी और फूड केज में ना रखे। तो दोस्तों फिर भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में और कुछ सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।